आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक निष्पक्ष बेबाक आपका अपना न्यूज फोल्डर। इनके पास सब कुछ संपन्न है, सब चीजें उनके पास हासिल हैं, उनको इंटर क्यों देते भाई, मुझे ये बताया जाए, इसलिए ये मंच बना। इसी भाव से हमारा ये जो दिल्ली बचाओ मंच है, इसमें जो MLA BJP या जो पार्टी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, जो लोग अच्छे लोग इस दिल्ली का भला देखना चाहते हैं, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उन सबको साथ लेकर के हम दिल्ली को एक अच्छा सुशासन हम लोग सब मिलकर दे सके। देश की राजधानी दिल्ली में अब दिल्ली बचाओ मंच आम जनमानस की आवाज बनेगा। दिल्ली बचाओ मंच की द्वारका विधानसभा अंतर्गत एक बैठक हुई, जिसमें सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं और अलग अलग मंचों से, अलग अलग क्षेत्रों से प्रभावशाली लोग एक साथ दिल्ली बचाओ मंच के बैनर तले जमा हुए। इस बैठक में दिल्ली बचाओ मंच की कार्यशैली की जानकारी देते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि जन प्रतिनिधियों की उदासीनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ अब दिल्ली बचाओ मंच लोगों की आवाज बनेगा। मंच की अध्यक्षता और संचालन सुधाकर भारती, संयोजक राज बलवान सोलंकी, उपाध्यक्ष गोल्डी बेदी, सचिव एवं प्रभारी द्वारका विधानसभा द्वारा किया गया। मेरा नाम सुधाकर भारती है, मैं संयोजक हूँ दिल्ली बचाओ मंच, और आज की जो बैठक है वो द्वारका विधानसभा के साथियों के साथ रखी गई थी, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी से हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान राज बलवान सिंह सोलंकी जी, हरदीप जी, और जो द्वारका विधानसभा के टीम को लीड कर रहे हैं हमारे गोल्डी भाई। आज का जो मुख्य उद्देश्य है, आज दिल्ली में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा में है, काम किसी के हो नहीं रहे हैं, प्रचार बहुत हो रहा है, सभी पार्टियों के नेता सिर्फ ये मानते हैं कि हम ये चुनाव अपने नेता के दम पर जीत जाएंगे, काम वो कुछ करते नहीं। इन्हीं सभी मामलों को लेकर एक कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें द्वारका विधानसभा के साथी आए थे, सबको ये अवगत कराया गया कि हम लोग अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के साथ विधानसभा में जितने भी मुद्दे हैं हम उसको उठाएंगे, उसको हर तरीके से काम करवाएंगे और मजबूत एक तैयार करेंगे पूरी दिल्ली में टीम, जो जनता हित के हर मुद्दे पर, चाहे उसके लिए हमें विधायक, सांसद, पार्षद, अधिकारी, कुछ भी करना पड़े, लेकिन जनहित से जुड़े मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं और वो काम करवा के मांगेंगे। मैं सबसे पहले तो अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, और ये जो हमारा दिल्ली बचाओ मंच है, इसके जो गठन हुआ है वो हमारी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली की, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको लेकर के हम सभी लोग हमारे साथ हैं, सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ हैं, सब जुड़े हुए हैं, और हम इसमें कोशिश करते हैं कि भी हम इसमें एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस टाइम एक अंग्रेज़ ने एक हमारे क्रांतिकारी को जेल में डाल रखा था, तो उससे पूछा गया कि भी तुम इस देश को कैसे आज़ाद कराओगे, तुम तो बिल्कुल इस तरह से, तो उसने एक ही बात कही थी कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, जो लोग इस आंदोलन में हमारे साथ हैं उनके साथ, और जो इस आंदोलन में हमारे साथ नहीं है उसके बावजूद हम अपने इस देश को आज़ाद करा के रहेंगे। तो उसी भाव से हमारा ये जो दिल्ली बचाओ मंच है, इसमें जो MLA BJP या जो पार्टी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, जो लोग अच्छे लोग इस दिल्ली का भला देखना चाहते हैं, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उन सबको साथ लेकर के हम दिल्ली को एक अच्छा सुशासन हम लोग सब मिलकर दे सके, इसी भाव को लेकर के हम लोग जो इस कार्यक्रम को हमने किया है, और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे लोग बाहर से कार्यकर्ता हैं उनका भी सबका धन्यवाद। उम्मीद है कि हम इसमें हम सब मिलकर एक दिन जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरी दिल्ली से कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, और सर्वसम्मति से सभी संगठनों ने दिल्ली बचाओ मंच का स्वागत करते हुए इसके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। मेरा नाम गोल्डी बेदी है, मैं दिल्ली बचाओ मंच में सचिव हूँ, मानव दर्पण फाउंडेशन का प्रधान हूँ,
और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी से द्वारका धाम से घोषणा दर्शन। दिल्ली बचाओ मंच की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दे, भ्रष्टाचार, एजुकेशन, लोगों की मदद, हेल्प, इन सबको करने के लिए कई बार नॉर्मली पब्लिक को नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है। तो हम एक सरल माध्यम बनना चाहते हैं जनता के लिए, हम एक सरल माध्यम बनना चाहते हैं। और हम ये जो संगठन है हमारा, सुधाकर भारती जी, अवंतिका जी महासचिव, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट राज बलवान सिंह सोलंकी जी, और मैं खुद, और हमारी पूरी टीम सबके समर्थन में, सबके सहयोग से ये चलेगा। और मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है द्वारका विधानसभा से करना चाहता हूँ। मैं ये इस आपके चैनल के माध्यम से ये प्रण लेता हूँ कि द्वारका विधानसभा के हर छोटे और बड़े क्षेत्रीय मुद्दे को मैं इस मंच के माध्यम से उठाऊंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। हमने इसकी शुरुआत कर भी दी है, कुछ मुद्दों में हमें सफलता मिली भी है, और हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनकी जो 10 गारंटी है, ये दिल्ली बचाओ मंच इसकी शुरुआत द्वारका विधानसभा से करेगा। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी, जब हमारा घर मजबूत होगा तो हम दिल्ली को ही मजबूत करेंगे। और धीरे धीरे जैसे संगठन हमारा विस्तार रूप लेता जाएगा तो हम इसको पूरी दिल्ली के अंदर लेके आएंगे। और इसी के साथ वापस धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अवंतिका है, मैं मैरौली विधानसभा से हूँ, और मैं आज अपने भाइयों को सपोर्ट करने आई हूँ, जिसमें हमारे बड़े भाई राज सोलंकी जी, सुधाकर भारती और गोल्डी बहल जी हैं, जिन्होंने हमें बड़े सम्मानपूर्वक रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की एनजीओ को यहाँ पे बुलाया। और मैं इन्हें आश्वासन देती हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई की प्रत्येक महिला उनके साथ है इस संघर्ष में दिल्ली बचाओ मंच के ऊपर। दिल्ली बचाओ मंच के साथ राजनीतिक हस्तियां, कानून के जानकार, प्रशासनिक, आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, मीडिया जैसी शक्तियां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। दिल्ली की जनता के लिए बिना भेदभाव और पूरी तरह से गैर राजनीतिक होकर काम करना ही दिल्ली बचाओ मंच को बाकी मंचों से अपनी अलग पहचान देता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई 10 गारंटियों को दिल्ली की जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।